आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने की जरूरत, छात्रों से बोले राजनाथ सिंह। संजय राउत बोले राहुल गांधी आदित्य ठाकरे दो युवा नेता देश का नेतृत्व करने के लिए सक्षम। तेलंगाना में पीएम मोदी का स्वागत करने नहीं जाएंगे सीएम केसीआर, बीजेपी ने कहा ये प्रोटोकॉल के उल्लंघन है। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर 2000 साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति जब्त, विदेशी यात्री के सामान की जांच में मिली। दक्षिणी राज्यों के दौरे पर विशाखापट्टनम पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर सीएम रेड्डी ने किया स्वागत। राघव चड्ढा ने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटकर मनाया जन्मदिन, गिफ्ट के तौर पर गुजरात में सरकार बनाने का लिया वादा। तमिलनाडु में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, दो दिन तक स्कूल कॉलेज बंद, उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार के सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार, संविधान के अनुरूप ही जाकर बनी नई सरकार। सीएम नीतीश कुमार बोले बच्चों को ठीक से पढ़ाइए, बढ़ाएंगे वेतन, गड़बड़ी करने वालों को नौकरी से निकाला जाएगा। बिहार के जमुई में बंधक बेटे को छुड़ाने के लिए मासूम को सड़कों पर बेचने के लिए निकली मां, 30,000 में तय किया सौदा। राष्ट्रपति के लुक पर टीएमसी नेता ने किया कमेंट, पूछा हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है, बीजेपी ने ममता को बताया आदिवासी विरोधी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया मतदान, लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील, बीजेपी की जीत का दावा। भाजपा वादा निभाती तो चुनाव के बाद शिंदे ही बनते सीएम, जेल से बाहर आने के बाद बोले संजय राउत। ठग सुकेश चंद्रशेखर का सीएम केजरीवाल पर एक और लेटर बम, अब पॉलीग्राफ टेस्ट की दी चुनौती। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटका, शिवसेना सांसद गजानंद कीर्तिकर शिंदे गुट में हुए शामिल। हनी ट्रैप में तेंदुओं को फंसाने की तैयारी, असली तेंदुओं को आकर्षित करने के लिए मादा तेंदुओं की फोटो पिंजरों में लगाई। गाजियाबाद में छात्रा से रेप कर रहा था प्रिंसिपल, छात्रा ने मां को बताई आपबीती, प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज। इरफान सोलंकी मामले की जांच करेगा सपा प्रतिनिधिमंडल, 10 विधायक समेत 11 सदस्य घटनास्थल पर जाएंगे, कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दो छात्रों पर हमला, कार का गेट खोलने को लेकर हुआ था विवाद, पिस्टल से फायरिंग का आरोप।
आगरा में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। फतेहाबाद के पलिया गांव के पास हुआ हादसा। अयोध्या में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या 606 पहुंची। 9 नए संक्रमित। कानपुर देहात में 11 साल बाद थाने से भगवान रिहा। प्रभु को अपने बीच देख भावुक हुए भक्त। 2011 में चोरी हुई थी मूर्तियां। गाजियाबाद पुलिस एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल। सहीबाबाद में गाड़ियों का शीशा तोड़ने वाले 2 पकड़े। मोदी नगर में गोकश को लगी गोली। वाराणसी में 2 नए शंकराचार्यों को लेकर विद्वानों में विवाद। काशी विदित परिषद के पदाधिकारी आए आमने सामने। बीएचयू की लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स का धरना जारी। सड़क ब्लॉक कर बोले, हमारी अटेंडेंस पूरी कर हमें एग्जाम में शामिल होने का मौका दें। डीएम ने खेतों में की धान की कटाई। गाजीपुर में क्रॉप कटिंग के आधार पर धान की उपलब्धता जांचने पहुंची थी डीएम। बलिया में करंट लगने से जीजा साले की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। 11,000 एचसी लाइन टूट कर खेत में गिरी थी। विजय मिश्रा के करीबियों की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त। जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश पर हुई कार्रवाई। इटावा में निकाय चुनाव की तैयारी लगभग पूरी। इसी सप्ताह अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। अंतिम मतदाता सूची आना बाकी। हापुड़ में कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास। मासूम के साथ की थी वारदात। चंदौली में धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टर। बिजली के पोल में मारी टक्कर। 10 घंटे ठप रही 2 दर्जन गांवों की बिजली। शाहजहांपुर में दुष्कर्म का आरोपी समेत व्यापारी नेता और एक महिला गिरफ्तार। 1 घंटे का 1500 किराया लेता था व्यापारी। महिला देती थी साथ। औरैया में चोरों ने 3 घरों के तोड़े ताले। 1 घर से नकदी व जेवरात समेत 5 लाख की चोरी। लोगों ने पुलिस के गश्त पर लगाए सवाल। फतेहपुर में बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल, 1 गिरफ्तार। 1 बाइक और 3 तमंचा बरामद। नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी पर एफआईआर। विजिलेंस की जांच में भ्रष्टाचार के दोषी मिले। रायबरेली में गैस एजेंसी कार्यालय में लगी भीषण आग। 50,000 का सामान जलकर खाक। सुल्तानपुर में एलईडी और सोलर लाइट के नाम पर खेल। भाजपा नेता ने लगाया 1,14,00,000 गबन का आरोप। सीएम से हुई शिकायत। मेरठ में 8 इंस्पेक्टर, 17 दरोगा के ट्रांसफर। देर रात एसएसपी ने किया बड़ा बदलाव। कुछ समय पहले हुआ था प्रमोशन। जालौन में किसान के घर में चोरी। लाखों रुपए की जेवरात और नकदी किए पार। पुलिस कर रही मामले की जांच। हापुड़ में निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट। आईजी ने अफसरों को दिए सुरक्षा को लेकर टिप्स। उत्पाती लिस्ट होगी तैयार।
अंबेडकर नगर में डेंगू के डंक से हाहाकार, बुखार के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। जिले में कुल मरीजों की संख्या 247 है। हमीरपुर में पुलिस की एक बार फिर बड़ी लापरवाही आई सामने। दरोगा तीर्थराज पांडे ने मोटरसाइकिल पर काटा सीट बेल्ट का चालान। कानपुर में ठेला लगाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, दोनों पक्षों ने जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल। लखीमपुर खीरी में सीएमओ खीरी के वायरल वीडियो की हुई जांच, शराब पीकर हंगामा करने के मामले में सीएमओ अरुणेंद्र हटाया गया। लखनऊ में बारात में शामिल मारुति वैन में लगी भीषण आग, आतिशबाजी की चपेट में आने से धू धू कर जली मारुति वैन। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री की बैठक, सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा, होटल कारोबारी की सड़क दुर्घटना में मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम धामी, श्रद्धेश्वर व जौलजीवी मेले का करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड क्रांति दल ने की कुमाऊं के जिला अध्यक्षों की घोषणा, पिथौरागढ़ में चंद्रशेखर पुनेड़ा। भर्ती घोटाले प्रकरण पर कांग्रेस हमलावर, सरकार पर दबाव बनाने को 21 को सचिवालय कूच। उत्तराखंड में किफायती आवास आवंटन के लिए ऑनलाइन ई बुकिंग पोर्टल, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया लॉन्च। उत्तराखंड के कौथिग में बिखरी उत्तराखंडी लोक संस्कृति की झलक, कलाकारों ने दी प्रस्तुति। ऋषिकेश में मानुषी छिल्लर ने तेहरान की सफलता के लिए किया गंगा का आशीर्वाद, जान अब्राहिम के साथ दिखेंगी फिल्में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, छोड़नी होगी 10 से 5 तक काम करने की मानसिकता। उत्तराखंड के रुड़की में चाकू मारकर की गई थी सचिन कश्यप की हत्या, जल्द आरोपी तक पहुंचेगी पुलिस। काठ गोदाम में है अंग्रेजों के सामने की रेलवे लाइन, अब इसे बचाने की चुनौती, एक और गोला का खतरा, दूसरी तरफ अतिक्रमण। वन्यजीव सुरक्षा को उच्च हिमायली क्षेत्र में हाई अलर्ट, खुफिया तंत्र मजबूत बनाने के निर्देश। उत्तराखंड के नैनीता गोला में खनन पर संकट, मजदूरों को ठेकेदार से उधार का इंतजार, जनवरी में लीज हो रही खत्म। उत्तराखंड के हरिद्वार में निर्मल अखाड़े के संतों ने मांगी पुलिस सुरक्षा, पंजाब से आए गुट के हंगामा करने के बाद बढ़ा विवाद। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बयान, बोले प्रदेश के मंत्रियों को चाहिए महंगी और नई गाड़ियां। ट्रंप की नई चाल, हाउस कमेटी की पूछताछ से बचने के लिए उसी पर दायर किया मुकदमा।
रूस और यूक्रेन की जंग के बीच खेरसोन क्षेत्र में रूस की सेना हटी पीछे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, हमारे लोग हमारा खेरसोन। अमेरिका में अभी जारी रहेगा कोविड-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, लाखों अमेरिकियों को मिलेगा मुफ्त उपचार। अपराधों और आतंकवाद में साझा मुकाबला करेंगे भारत आसियान। बार बार कोरोना संक्रमित होना भी है खतरनाक, हार्ट फेल और मौत का खतरा अधिक, अध्ययन में किया गया दावा। मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला, 50 साल से राष्ट्रपति की पार्टी नहीं जीती। ब्रिटेन में रहने वाले भारतवंशियों को पीएम सुनक से उम्मीद, ऋषि ब्रिटेन की आर्थिक सेहत सुधारे। यूएन में भारत का सीए पर जवाब, ये भारतीयों को नागरिकता देता है, उनसे सिटीजनशिप छीनता नहीं। पाकिस्तान में वापसी को तैयार पूर्व पीएम नवाज शरीफ, जारी होगा राजनयिक पासपोर्ट। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने रूसी प्रतिनिधि से की मुलाकात, खदान निर्यात समझौता पर चर्चा। ट्विटर ने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पर लगाई रोक, तेजी से बढ़ते फेक अकाउंट के कारण $8 वाली सब्सक्रिप्शन सर्विस को करना पड़ा बंद। ग्लोबल रिकवरी से शेयर बाजार में रफ्तार, सेंसेक्स साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, 6 महीने में ही 17% ग्रोथ। सितंबर में 3.1% बढ़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग सेक्टर्स का अच्छा प्रदर्शन। मेटा ट्विटर के बाद अब अमेजन में छटनी, एक्स एम्प्लॉयज का दावा, कंपनी ने रोबोटिक्स टीम के सभी कर्मचारियों को निकाला। एलन मस्क की परेशानियां बढ़ी, ट्विटर के दिवालिया होने की आशंका जताई, सीनियर ऑफिसर्स के लगातार इस्तीफे से डर बढ़ा। फिर आमने सामने आए अडानी अंबानी, दोनों कर्ज में डूबे, फ्यूचर रिटेल को खरीदने की रेस में। प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.71 लाख करोड़ रुपए, पिछले वर्ष की तुलना में 25.71% ज्यादा। अमेरिका से संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा भारत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, दोनों देशों का नजरिया सकारात्मक। दुनिया के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए किया आवेदन। ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पर बात कर रहे थे जेट एयरवेज के सीईओ, यूजर ने कहा, ज्ञान मत दो, पैसे वापस करो। ग्रेग वार्कले फिर बने 2 साल के लिए ICC के चेयरमैन, क्रिकेट को आगे बढ़ाने पर होगा काम। खिताब जीतने के लिए रोजे रख रही है पाकिस्तानी टीम, 1992 की हर चीज को दोहरा रहे पाक खिलाड़ी।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान किया। भारतीय महिला बॉक्सर परवीन हुडा ने जीता गोल्ड मेडल, जापानी बॉक्सर को फाइनल में हराया। आईपीएल 2023 के लिए सीएसके ने जडेजा को किया रीनेट, मुंबई इंडियंस ने छोड़ा पोलार्ड का साथ। एक्सपेरिमेंट्स में बुराई नहीं, नतीजे भी तो मिले, चहल के कोच बोले उसे पहले मैच से ही खिलाना था। भारत के जख्मों पर पाकिस्तानी नमक, रजीम राजा बोले अरबों डॉलर की आईपीएल का क्या फायदा, शुएब ने कहा बहुत गंदा हारे आप। वर्ल्ड कप फाइनल पर बारिश का खतरा, मैच के लिए रिजर्व डे फिर भी खेल नहीं हुआ तो इंग्लैंड पाकिस्तान शेयर करेंगे ट्रॉफी। भारतीय खिलाड़ियों पर बरसे सुनील गावस्कर, बोले आप आईपीएल खेलते हैं तब वर्कलोड क्यों नहीं होता। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया का बयान, कहा रवि अश्विन को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था। प्रीति जिंटा ने मनाया जुड़वा बच्चों का पहला बर्थडे, कहा मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हैं। नोरा फतेही से मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी फैन, गले लग कर कराया चुप। बचपन में नीति टेलर के दिल में था छेद, बोली मैं एम्यूजमेंट पार्क में नहीं जा सकती थी। हेरा फेरी 3 में अक्षय की जगह कार्तिक आएंगे नजर, परेश रावल ने किया कंफर्म, फैंस ने कहा यह खबर वर्ल्ड कप की हार से भी ज्यादा दुखदाई है। मौनी रॉ ने दिखाया अपना लग्जरी घर, लिविंग रूम से किचन तक सब कुछ बेहद खास, फैंस बोले घर हो तो ऐसा। कांतारा ने केजीएफ 2 को छोड़ा पीछे, फुटबॉल्स के मामले में निकली आगे, अब तक बिके 1 करोड़ टिकट। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चर नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिल्पा सेठी ने शेयर किया मजेदार वीडियो, खुद को फिट रखने के लिए दिन में 10 बार खाती है खाना। सिद्धांत के निधन पर इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर, को एक्टर्स ने जताया दुख, बोले वो फिटनेस पर बहुत ध्यान देते थे। योगा क्लास के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, 49 साल की उम्र में भी रोज करती हैं एक्सरसाइज। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।